मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि होटल ट्रांसिल्वेनिया की 125वीं सालगिरह मनाई जा रही है। एक होटल का मालिक ड्रैक नाम का एक वैम्पायर है। यहाँ हर कोई एक मॉन्स्टर है सिवाय जॉनी के, जो कि ड्रैक्स की बेटी मैरी का पति है। जॉनी बहुत चंचल और नटखट लड़का है। ड्रैक्स हमेशा जॉनी को अपने घर का हिस्सा मानने में हिचकिचाता रहता था। आज की एनिवर्सरी की पार्टी की तैयारी जॉनी नहीं की थी। ड्रैक्स को मालूम था जॉनी की हरकतों से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है, और हुआ भी वही। ड्रैक्स ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया। ड्रैक्स सबको बताता है कि आज रात 12 बजे वो एक अनाउंसमेंट करेगा। इस अनाउंसमेंट को लेकर ड्रैक्स बहुत ही परेशान लग रहा था। वो अपना होटल ट्रांसिल्वेनिया मैरी और जॉनी के नाम करने वाला था, पर जॉनी को लेकर वो बहुत परेशान था कि जॉनी को वो होटल दे या ना दे। ड्रैक्स की जीएफ उसे समझाती है कि सब कुछ सही होगा और तुम्हारा यह डिसीज़न बहुत ही सही है। ड्रैक्स उसे थोड़ा धीरे बोलने को कहता है, क्योंकि उसकी बेटी सुन सकती है और उसका सरप्राइज बेकार हो जाएगा। मैरी ये बात सुन लेती है और वो जाके जॉनी को बताती है। जॉनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो जाके ड्रैक्स को थैंक्स बोलने लगता है। वो कहता है कि वह इस होटल को और भी अच्छे तरीके से बना देगा। ड्रैक्स को लगता है कि जॉनी के मालिक बनते ही उसके सारी बनाई हुई चीज़ों को बदल के रख देगा, इसलिए वो अपना मन बदल देता है और जॉन्स को बोलता है कि वह और वो जॉनी को झूठ बोल देता है। एक मॉन्स्टर के कानून के हिसाब से वो प्रॉपर्टी किसी इंसान को नहीं दे सकता है, और अपने अनाउंसमेंट में बता देता है कि होटल में कुछ रूम्स बनाने वाला है। मैरी को समझ नहीं आता है कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। एरिका भी ड्रैक से पूछती है कि ये तुमने क्या कह दिया, तुमने असली चीज़ क्यों नहीं बताई। ड्रैक्स उसकी बातें अनसुना करके वहाँ से चला जाता है, और यही काम वो मैरी के साथ भी करता है। जॉनी दुखी था कि वह एक मॉन्स्टर क्यों नहीं है। उससे वहाँ एक बूढ़ा साइंटिस्ट मिलता है, उसका नाम वैन हेल्सिंग था। वह जॉनी से कहता है कि उसके पास मॉन्स्टर बनाने वाली एक मशीन है। वैन जॉनी को एक लैब में ले जाता है, जहाँ एक जीजी नाम की चिड़िया को मॉन्स्टर बना के दिखाता है। वो जॉनी से कहता है कि उसे भी नहीं पता कि तुम कितने बड़े और ख़तरनाक मॉन्स्टर बनोगे। उसके बाद वह जॉनी को मॉन्स्टर बना देता है। जॉनी अब एक बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। ड्रैक्स उसे ढूंढते हुए वहां आता है और जॉनी को देख के हैरान रह जाता है। जॉनी भी अब खुश था कि वह अब उसके फैमिली का एक हिस्सा है। वह मैरी को यह बात बताने के लिए जाता है। ड्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है। ड्रैक उस पर फिर से वो मशीन चलाता है ताकि वो फिर से वह एक इंसान बन जाए, क्योंकि मैरी को जब यह बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। जॉनी पे हमला करते समय ड्रैक्स के होटल में लगे हुए पुतले पे जाके लगती है, जिसका पानी ग्रीन हो जाता है, पर अब भी वो जॉनी का पीछा करता रहता है। पर गलती से एक मशीन की रे ड्रैक्स को ही लग जाती है। वो फिर एक इंसान बन जाता है। अब वो उड़ नहीं सकता था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ड्रैक्स के दोस्त फ्रैंक मुरेवी और ना दिखने वाला ग्रीफी सब उसकी हरकतों से परेशान थे कि ड्रैक्स आखिर कर क्या रहा है। वो मशीन भी अब टूट चुकी थी। ड्रैक्स जॉनी को वैन हेल्सिंग के पास जाने के लिए कहता है। वैन उन लोगों को बताता है कि वह अब इस मशीन को बना नहीं सकता, इसमें लगने वाला क्रिस्टल उसके पास नहीं है। वह उन सबको बताता है कि यह क्रिस्टल साउथ अमेरिका में मिलेगा, और वह यह भी बताता है कि यह काम बहुत ही खतरनाक होगा। उन्हें खतरनाक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करना होगा। जॉनी और ड्रैक्स बिना किसी को बताए हुए निकल पड़ते हैं साउथ अमेरिका। ड्रैक्स अपने दोस्तों को मैसेज करके बता देते हैं कि वो लोग क्रिस्टल ढूंढने जा रहे हैं, और वो लोग इस बात को किसी को ना बताएं। वहाँ ड्रैक्स के स्टैचू के पास ग्रीन पानी को उसके सारे दोस्त
सारे दोस्त पी लेते हैं और वो सारे भी इंसान बन जाते हैं। ना दिखने वाला ग्रिफिन भी अब दिखने लगा था। फ्रैंक तो अपने जुल्फे देख के ही खुश था। मूरे का भी यही हाल था। जॉनी और ड्रैक एक टूटी प्लेन में जा रहे थे। ड्रैक काफी घबराया हुआ लग रहा था। जॉनी और ड्रैक साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां सूरज की रोशनी देखकर ड्रैक डर जाता है। जॉनी ड्रैक को बताता है कि वह एक वैम्पायर नहीं रहा, उसे सूरज की रोशनी से अब कोई दिक्कत नहीं है। आज पहली बार ड्रैक सूरज की रोशनी देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वह उसे लगातार देखता ही रहता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती है और वह बीच रोड में फंस जाता है। फिर जॉनी उसे साइड में लाता है। जीजी को वैन ने मॉन्स्टर बनाया था, वो और भी बड़ा हो गया है। हेरिका और मैरी जॉन्स और डेरिक को ढूंढ रहे थे और वो दोनों उनके दोस्तों से पूछते हैं और उन्हें सब कुछ पता चलता है और उन्हें न्यूज़ में देखती है कि दोनों साउथ अमेरिका में हैं। मैविस उसे कॉल करती है पर रैक्स फ़ोन नहीं उठाता है। ड्रैक्स के इंसान बन जाने पर ड्रैक्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। जॉनी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन ड्रैक्स की हालत ख़राब थी। ड्रैक्स काफ़ी ज़्यादा थक गया था। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर से इतना गीला और अंदर से इतना सूखा क्यों है। उसे भी बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पे उन्हें झील दिखाई देती है और ड्रैक्स बिना कुछ सोचे उसमें कूद जाता है, पर उसमें काटने वाली बहुत सारी मछलियाँ थी जो ड्रैक्स को काट लेती हैं। एरिका और वैनिस वैन हैरिसन के पास पहुँचती हैं, पर वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। मैविस उससे पूछती है कि उसने उसके डैड और जॉनी के साथ क्या किया। तभी उन पे मॉन्स्टर जीजी उन पे हमला कर देता है, जिसे मैविस और एरिका मिलकर उसे एक पाइप में फंसा देते हैं और दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। जंगल में काफ़ी मच्छर थे जो कि ड्रैक्स को काट रहे थे, पर जॉनी को वो काट नहीं पा रहे थे। जॉनी मच्छर मारने के चक्कर में ड्रैक्स को जोर का झापड़ मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। मैविस एंड एरिका सबको लेकर जॉन और डेरी को ढूंढने निकल जाती है। उनके प्लेन से एक कार निकलती है जो सीधे जंगल में उतरती है और वो आगे बढ़ते हैं। सब उस पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। मैविस अपनी शक्तियों से उनका पता करती है और उनके पीछे गाड़ी भगा देती है। जब ड्रैक्स की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वह जॉनी के हाथों में था। जॉनी पहाड़ों के ऊपर ऊपर चल रहा था। ड्रैक्स देखता है कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है और जॉनी को नीचे उतरने के लिए कहने लगता है और इसी में वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। जॉनी देखता है कि उसके पंख निकल आए हैं और वो देखता है कि वो अब उड़ सकता है और वो ड्रैक्स को बचा लेता है। वो दोनों रात में बैठकर मार्समेलो खा रहे थे और वो देखता है कि डेरी का मार्समेलन जल जाता है। दोनों रात में बैठकर मार्समेलन जला के खा रहे थे, तब डेरी का मार्समेलन जल जाता है। तब जॉनी उसे बताता है, आप हर चीज़ में अपना खामियां निकालोगे तो भी कैसे पता कर पाओगे। वह उसे तोड़ के अच्छे पार्ट को टेस्ट करने को कहता है। वो कहता है कि हर चीज़ में खामियां और खूबियां हैं, बस देखने वालों में फ़र्क होना चाहिए। तब वहाँ कार से मैविस और एरिका आते हैं। तब वहाँ सबको पता चलता है कि जॉनी से झूठ बोलने के कारण हुआ है। जॉनी को जब पता चलता है कि ड्रैक्स ने उससे झूठ बोला था कि होटल किसी इंसान को नहीं दे सकता है, तो जॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से का कारण वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मैविस उसके पीछे जाती है। एरिका ड्रैक्स को अपने साथ लेकर क्रिस्टल ढूंढने निकल जाती है। उसकी कार पानी पे भी चल सकती थी। जॉनी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो मैविस पे भी हमला कर देता है। उसकी टीम उस क्रिस्टल वाले गुफाओं में पहुंच चुके थे। सब अंदर चले जाते हैं। एरिका मैविस को वहाँ की लोकेशन भेजती है और जॉनी को वहाँ लाने को कहती है। मैविस जॉनी
मैविस जॉनी को उकसाकर अपने पीछे भगाती है। ये गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी। वहाँ सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मैविस किसी तरह जॉनी को उस गुफा तक ले आती है। वह ड्रैक्स से पूछती है कि क्रिस्टल मिला कि नहीं। तभी जॉनी उस गुफा को तोड़ने लगता है। वह और भी बड़ा हो चुका था। गुफा में सब अपनी जान बचाने लगते हैं। वहाँ के एक दीवार टूट जाने से उन्हें क्रिस्टल दिखता है। मैविस जाकर वह उस क्रिस्टल को ले लेती है, पर वह जॉनी को निशाने में नहीं ले पा रही थी। गुफा के टूटने से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, तो मैविस को दिक्कत हो रही थी। तब सब मिलकर मैविस की मदद करते हैं। तब वह जॉनी के नज़दीक पहुंचती है। तब वह जॉनी पे रे चला देती है, पर जॉनी अभी भी वैसा ही था। ड्रैक्स भागता हुआ जॉनी के पास पहुंचता है और वह उसे बताता है कि वह अब बदल चुका है और जॉनी को वो वाकई अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानता है। जॉनी शांत होने लगता है। तब मैविस फिर से जॉनी पे रे चला देती है। जॉनी फिर वापस में इंसान बन जाता है। बाकी सब भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब वह वापस सब होटल में आते हैं, तब देखते हैं मॉन्स्टर जीजी ने उनके होटल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ड्रैक्स उसे जीजी को भी वापस से पंछी बनाता है। जॉनी ड्रैक्स से कहता है कि वो उदास ना हो, कि उनके होटल को फिर से पहले जैसा बना देगा। पर ड्रैक्स उनसे कहता है कि नहीं, तुम लोग जैसा होटल को बनाना चाहते हो वैसा बनाओ। और एक साल बाद यह होटल बनकर तैयार था। और यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक